नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है मोहित सिंह और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर जंक्शन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जॉन डियर कंपनी का 5210 गियर प्रोब। अब ये जो पर्टिकुलर ट्रैक्टर है होलर मॉडल है, पीछे की तरफ आप चेक कर सकते हैं, इसमें हाइड्रोलिक की लिंक यहाँ पे नहीं दी गई है क्योंकि ये लोडर के अंदर इस्तेमाल होने वाला ट्रैक्टर है। अब ये एग्री मॉडल से कितना सस्ता है, प्लस क्या क्या फीचर्स आते हैं उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। लोडर के अंदर इसमें क्या क्या फीचर्स कंपनी ऑफर करती है उसके बारे में डिटेल में हम संक्षिप्त बारे में बात करने वाले हैं, प्लस इसकी जो कीमत है उसके बारे में भी आज आपको बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले हिस्से से अगर बात करी जाए तो इसमें आप चेक कर सकते हैं पीछे की तरफ इसमें जो हाइड्रोलिक की लिंकें हैं नहीं आती है क्योंकि ये लोडर के अंदर इस्तेमाल होने वाला ट्रैक्टर है, फुली होलर मॉडल है। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं इसमें जो रियर एक्सल दिया गया है वो फुली प्लानिटरी एपिसाइक्लिक रिडक्शन सीट वाला एक्सल देखने को मिल जाता है, जो कि लोडर के अंदर जो है काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है और जो खिंचाई है काफ़ी हद तक यहाँ पे भार जो है आप लोडर के अंदर उठा पाएंगे उसके लिए काफ़ी उपयोगी चीज़ आपके लिए रहने वाली है। उसके साथ साथ में पीछे की तरफ जो PTO शाफ्ट दी गई है वो 6 स्प्लाइन वाली आपको देखने को मिल जाती है, फुली कवर के साथ में ये आती है। उसके अलावा जो पीछे की तरफ आप चेक कर रहे हैं जो डीजल टैंक है वो पीछे की तरफ इसमें दिया गया है। उसके साथ साथ जो डीजल टैंक की जो क्वालिटी है आप चेक कर सकते हैं, फाइबर मटेरियल का ही यहाँ पे जो है डीजल टैंक यहाँ पे बनाया गया है। उसके अलावा कैपेसिटी की बात करी जाए तो इसमें आपको 68 लीटर की कैपेसिटी के साथ में इसका जो डीजल टैंक आपको देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ रोड की सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर दिया गया है जो कि रात के समय काफ़ी उपयोगी आपके लिए रहने वाला है। उसके बाद टायर साइज़ की बात करी जाए तो इसमें जो रियर टायर साइज़ है 16x28 के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जो फ्रंट टायर साइज़ है फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ में आप देख पा रहे होंगे 9x24 का फ्रंट टायर इसमें आपको देखने को मिल जाता है जो कि ट्रैक्टर की स्टेबिलिटी को काफ़ी बढ़ा देता है। उसके साथ साथ में लोडर के अंदर जो है आप 2-व्हील ड्राइव 4-व्हील ड्राइव दोनों ही ऑप्शन जो है चूज़ कर सकते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है वो 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर रहने वाला है क्योंकि जो स्टेबिलिटी होती है लोडर के अंदर वो 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के साथ में ही आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। 2D वगैरह के भराई वगैरह में 24-22 फुट के लोडर आगे की तरफ लगाए जाते हैं तो उसमें 4-व्हील ड्राइव होने से काफ़ी अच्छी जो स्टेबिलिटी है लोडर के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों इसके फ्रंट लुक की अगर बात करी जाए तो आप चेक कर सकते हैं जॉन डियर कंपनी के 5210 जो है गियर प्रो सीरीज़ के अंदर आता है। उसके साथ में इसका जो लुक है आप चेक कर सकते हैं सिंपल डिज़ाइन के साथ में दिया गया है। सामने की तरफ जो बोनट है कनेक्टेड हेडलाइट आपको देखने को मिल जाती है, सेंट्रल लाइन हेडलाइट्स हैं, रात के समय काफ़ी फोकस आपको देखने को मिल जाता है। स्पेशली ये जो ट्रैक्टर है लोडर में काफ़ी उपयोगी आपके लिए रहेगा क्योंकि जो लोडर की जो आर्म्स हैं काफ़ी अच्छे तरीके से जो साइड में आप उसको सेट करवा सकते हैं। सामने की तरफ इसमें आपको एक्स्ट्रा जाली देखने को मिल जाती है जो कि 2D वगैरह में अगर लोडर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से सफाई आप कर सकते हैं। जो एयर सर्कुलेशन है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे बना रहता है। उसके अलावा बोनट के ऊपर आप चेक कर सकते हैं अलग से डिज़ाइन दिया गया है। ये पर्टिकुलर जो लाइन आप चेक कर पा रहे हैं ये सेंट्रल लाइन आपको देखने को मिल जाती है, यानी बोनट का सेंटर आप इसमें आपको चेक कर सकते हैं, इसमें लोडर के समय काफ़ी उपयोगी आपके लिए रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों इस पर्टिकुलर ट्रैक्टर के अंदर जो बोनट है सिंगल यूनिट के साथ में दिया गया है, सर्विस वगैरह करने में किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आने वाली है। सिंगल यूनिट बोनट होने से काफ़ी किफ़ायती आपके लिए रहने वाला है। उसके अलावा लॉक सिस्टम ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ में इस पर्टिकुलर ट्रैक्टर के अंदर आप चेक कर सकते हैं ड्राई टाइप का ही एयर क्लीनर देखने को मिल जाता है जो कि क्लोगिंग सेंसर के साथ में आता है। बाय चांस जो एयर क्लीनर है वो चोक हो जाता है उसका जो संकेत है आपको मीटर कंसोल के अंदर देखने को मिल जाएगा। बैटरी का स्थान आगे की तरफ रखा गया है जो कि वेट का भी यहाँ पे कार्य करती है। उसके साथ साथ में जो रेडिएटर है इसमें एल्यूमिनियम की जाली के साथ में दिया गया है, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है जाली आगे की तरफ आपको नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ा जाए तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रैक्टर के अंदर जो हाइड्रोलिक का ऑयल का जो सप्लाई है सिंगल पंप यहाँ पे दिया गया है, जो यूनिट आप चेक कर पा रहे हैं पावर स्टीयरिंग प्लस हाइड्रोलिक की ऑयल की सप्लाई के लिए यहाँ पे टैंडम पंप का इस्तेमाल किया गया है जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाला है। प्लस जो पावर स्टीयरिंग है डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ में डीजल के अंदर पानी की मात्रा जाती है उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पे वाटर सेपरेटर दिया गया है जो कि काफ़ी उपयोगी आपके लिए रहने वाला है। उसके साथ साथ में इंजन कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करी जाए तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जॉन डियर कंपनी का 50 हॉर्स पावर का खुद का इंजन देखने को मिल जाता है। इस पर्टिकुलर ट्रैक्टर के अंदर जॉन डियर कंपनी जो है फुली डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो चार्ज इनलाइन FIP कूलेंट कूल विद ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ में इंजन यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है जो कि 2900 cc की कैपेसिटी के साथ में आता है। 3 सिलेंडर की फुल पावर इसमें आपको देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी हद तक यहाँ पे जो पावर है
आपको अच्छी तरीके से देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ में टर्बो यूनिट जो है इस ट्रैक्टर के अंदर आपको पीछे की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाती है, फुली टर्बो चार्ज इंजन आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में ट्रैक्टर की वाइब्रेशन को रोकने के लिए यहाँ पे अलग से ढोलकी भी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि ट्रैक्टर की नॉइस को काफ़ी हद तक यहाँ पे कम कर देती है। उसके साथ साथ में दोस्तों इस पूरे ट्रैक्टर के अंदर जो फ्रंट एक्सल आप चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं डाना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का यहाँ पे जो फ्रंट एक्सल आपको देखने को मिल जाता है। ये जो पर्टिकुलर फ्रंट एक्सल है जॉन डियर कंपनी का खुद का एक्सेल इसमें आपको देखने को मिल जाता है। क्राउन पिनियन नीचे की तरफ आप चेक कर सकते हैं, फुली प्लानेटरी प्लस का यहाँ पे जो फ्रंट एक्सेल आपको देखने को मिल जाता है। प्लानेटरी प्लस होने से जो गिरारियाँ हैं उसमें आपको काफ़ी मजबूती जो है एक्सेल के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी उपयोगी आपके लिए रहेगी। लोडर के अंदर आप टूट फूट की जो समस्या इसमें आपको नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद ट्रैक्टर के PTOHP की और SFC की बात करी जाए तो जो मैक्स PTO पावर है 42.8 HP की देखने को मिल जाती है, प्लस जो SFC है 1 HP बनाने में 1 घंटे में ये ट्रैक्टर जो है 198.6 ग्राम डीजल यहाँ पे लेता है। फोर व्हील ड्राइव होने से काफ़ी बल्की डिज़ाइन आगे की तरफ हो जाता है, क्योंकि जो फ्रंट टायर होते हैं काफ़ी बड़े साइज में आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ में फोर व्हील ड्राइव की जो शाफ्ट है नीचे की तरफ आप चेक कर सकते हैं, फुली कवर के साथ में यहाँ पे दी गई है, इसमें टूटने फूटने का जो शिकायत आपको नहीं आएगी, पानी वगैरह जाने की समस्या इसमें आपको नहीं देखने को मिलती है। उसके साथ साथ में प्लेटफॉर्म की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सेक्टर का जो प्लेटफॉर्म है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। इस पर्टिकुलर ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ट्रांसमिशन ऑयल की जो हीट है उसको रोकने के लिए यहाँ पे अलग से गार्ड दिया गया है, जो कि काफ़ी उपयोगी आपके लिए रहने वाला है। प्लस इंजन की हीट ड्राइवर तक ना पहुँचे उसके लिए भी अलग से आपको हीट गार्ड जो है देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ में ये जो पर्टिकुलर मॉडल है गियर प्रो फोर व्हील ड्राइव मॉडल है, टॉप वेरियंट है। गियर प्रो मॉडल जो है जॉन डियर कंपनी के टॉप वेरियंट यहाँ पे माने जाते हैं। उसके बाद प्लेटफॉर्म वहाँ चेक कर सकते हैं, काफ़ी खुला और बड़ा प्लेटफॉर्म इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। जो सीट है डिलक्स सीरीज में आपको देखने को मिल जाती है, जो कि ऑपरेटर के लिए काफ़ी उपयोगी यहाँ पे रहने वाली है। उसके साथ साथ में सेक्टर के अंदर जो यहाँ पे ब्रेक और क्लच का जो पैडल दिया गया है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, फुली सस्पेंडेड पैडल के साथ में ट्रैक्टर आता है, जो कि कम्फर्ट लेवल को यहाँ पे और भी जो है बढ़ा देता है। उसके बाद दोस्तों इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन की अगर बात करी जाए तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जॉन डियर कंपनी का ABCD गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। टोटल स्पीड की बात करी जाए तो इसमें आपको 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स की स्पीड के साथ में जो गियर बॉक्स है देखने को मिल जाता है। ABCD गियर बॉक्स होने से काफ़ी अच्छी जो चाल है ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। किसी प्रकार का PTO से उपकरण आपको अगर चलाना है लोडर के अंदर तो आपको बार बार जो है पैर वाली क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। स्वतंत्र क्लच का लीवर आपको साइड की तरफ देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी यहाँ पे रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों साइड में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं टू व्हील ड्राइव फोर व्हील ड्राइव का लीवर आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाला है। अगर आपको फोर व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर चलाना है, टू व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर चलाना है तो उसके अलग से लीवर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद ट्रैक्टर के टर्निंग रेडियस की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले हम ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रैक्टर का टर्निंग रेडियस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डुअल एक्टिव पावर स्टीयरिंग के साथ में ट्रैक्टर आता है। दोनों ही साइड जो है टर्निंग रेडियस काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिल जाता है। इंजन साउंड की अगर बात करी जाए क्विक रिस्पॉन्स जो इंजन का आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ में ट्रैक्टर की जो आवाज़ है काफ़ी साइलेंट और स्मूथ आवाज़ इसी की आपको देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ में मीटर कंसोल आप चेक कर सकते हैं, एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ में स्टीयरिंग व्हील काफ़ी छोटा और कम्पैक्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर सेफ्टी के लिए ऐसे बात करी जाए तो डिफरेंशियल लॉक भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि ट्रैक्टर अगर फंस जाता है बाई चांस इसमें आपको डिफरेंशियल लॉक का अलग से फीचर जो है देखने को मिल जाता है। ब्रेक की बात करी जाए तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जो ब्रेक है तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक के साथ में ट्रैक्टर आता है, जो कि काफ़ी उपयोगी आपके लिए रहने वाला है। उसके साथ साथ में क्लच की बात करी जाए तो इसमें आपको ड्राई टाइप की ही क्लच यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इस पर्टिकुलर ट्रैक्टर के अंदर जो है परमा क्लच यानी परमानेंट क्लच जो एडिशनल फीचर ट्रैक्टर के अंदर आता है, जो जॉन डियर का ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलता है, बट वो जो स्पेशल फीचर जो है आपको ओनली 53-10 मॉडल के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, किसी अलग वेरिएंट में आपको नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद इस ट्रैक्टर की कीमत की अगर बात करी जाए तो ये जो पर्टिकुलर ट्रैक्टर है एग्रीकल्चर मॉडल से 80,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक की जो कॉस्ट है उससे कम रहने वाली है। इस पर्टिकुलर ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक की जो लिंक है वो हटा दी जाती है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ट्रैक्टर है फोलर मॉडल है, लोडर के अंदर ही यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ में अगर आप इस ट्रैक्टर को अगर रोहतक ज़िले में ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पे डीलरशिप का एड्रेस चेक कर सकते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे इस ट्रैक्टर को आसानी से ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा इस पर्टिकुलर ट्रैक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फीचर्स हैं,
होलर मॉडल है तो क्या क्या नई नई फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाता है, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में आज बात करी है। उसके अलावा मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरे रोचक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।